subscribe my channel, press bell icon, like and share. अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फायर अलार्म कंट्रोल पैनल के बारे में है। एग्रेसिव कंट्रोल पैनल में हम डिवाइस का स्टेटस किस तरह चेक करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और चेक करते हैं कि डिवाइस का स्टेटस किस तरह चेक करते हैं। ये सिंपलेक्स 4100 एड्रेसेबल कंट्रोल पैनल है। इस कंट्रोल पैनल में हम किसी भी डिवाइस का स्टेटस किस तरह चेक करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। डिवाइस का स्टेटस चेक करने के लिए हमें डिवाइस का नंबर और लूप नंबर मालूम होना चाहिए। उसके लिए हम आईडी नेट नंबर 6 प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे डिवाइस का लूप नंबर और डिवाइस नंबर फर्ज करें। मान लें हम लूप नंबर 1 M1 उसके बाद स्लैश और डिवाइस का नंबर फर्ज करें हम डिवाइस का नंबर 12 सेलेक्ट करते हैं। 1 2 1 2 सेलेक्ट करने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। हमने एंटर प्रेस किया, ये जो डिवाइस है स्मोक डिटेक्टर है, इसका जो स्टेटस है वो नॉर्मल है और ये लूप 1 ग्राउंड फ्लोर मेंटेनेंस रूम, मतलब ये डिवाइस किस फ्लोर में है वो लोकेशन बताएगा और किस रूम में है वो लोकेशन बताएगा। उसके बाद हम इस डिवाइस को प्रीवियस और नेक्स्ट करके डिवाइस नंबर चेक करते हैं। जैसे ये डिवाइस का नंबर 12 है और इसके बाद हम जो है नेक्स्ट प्रेस करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट प्रेस करेंगे ये जो डिवाइस नंबर है ये काउंटिंग होता जाएगा। और प्रीवियस ये हम बैक चेक इसे प्रेस करेंगे, हम डिवाइस का नंबर बैक जाता जाएगा 17 15, ये डिवाइस का नंबर 14 13, ये 12। इसके साथ जो हमारी आज की वीडियो है वो कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।